आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट वीडी के एंड आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 क्लास 10 का जो है द थिफ्स स्टोरी। इस स्टोरी में जो पहला और मुख्य मैन कैरेक्टर है वो है अनिल। अनिल 25 साल का नवयुवक और बहुत ही पतला दुबला और साफ दिल का नेक और सीधा इंसान है। दूसरी ओर जो दूसरा मेन कैरेक्टर है मुख्य पात्र उसका नाम है हरि सिंह। यह हरि सिंह नाम उसने खुद ही अनिल को बताया था। वो ये भी बोलता है कि उसने कई नाम अपने पहले के भी उन लोगों को जिनको उसने मूर्ख बनाकर उनसे ठगी की थी और उनके पैसे या सामानों की चोरी की थी उनको बताया है कई तरह के ऐसे ही झूठे नाम और उसी में से एक नाम उसने अनिल को बताया जो है हरि सिंह। अब हम समझते हैं स्टोरी को। शुरू में अनिल जब रेसलिंग का मैच देख रहा था उसी समय जो है हरि सिंह एक बहुत ही चालाक और धूर्त कनिंग जो चोर है वो उसको देखता है और समझता है कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा बकरा है जिसको हम आसानी से हलाल कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हरि सिंह जो कि चोर है वो सोचता है कि ये सिंपल पतला दुबला 25 साल का इंसान इसे आसानी से मूर्ख बनाकर हम इसे ठग सकते हैं। वो उसके पास जाता है और कहता है कि आप तो एक रेसलर लग रहे हैं। तो यहाँ पर अनिल बोलता है कि मैं आप भी तो थोड़ा तो लग ही रहे हो। उस समय थोड़ा सा ये सब पका जाता क्योंकि हरि सिंह जो है वो और ही ज्यादा उस समय बहुत ही ज्यादा पतला दुबला था। फिर भी वो उसको कहता हाँ मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लेता हूँ रेसलिंग। उसके बाद अनिल जो है कि उस पर से कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं है। फिर हरि सिंह खुद ही उसके पास जाता है और बोलता है कि ये बताइए कि आप क्या मुझे कोई काम देंगे। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलते हैं कि मेरा नाम तो हरि सिंह है। और फिर वो बोलता है कि ये हरि सिंह तो मेरा झूठा नाम है जो वो अपने मन में हरि सिंह जो कि चोर है वो बोल रहा है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कि अगर कोई पुलिस या फिर उसके पहले के जो जिनको उन्होंने इसने ठगा है अगर जानकारी करना चाहे तो पता ना कर पाए इनके बारे में। अभी तो जो है कि मैच चल रही थी, जोर धूमधाम की आवाजें आ रही थी, एक रेसलर दूसरे रेसलर को पटक रहे थे और उसी बीच में अभी हरि सिंह सोचता है कि अब इससे आगे बात की कैसे जाए। फिर हरि सिंह फिर उसके पास जाता है और उसको कहता है कि क्या आप मुझे कोई काम दोगे। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। और वो पूरी तरह से हरि सिंह पर से ध्यान हटा देता है। हरि सिंह इस चीज से सोचता है कि क्या उसने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसके पास जाता है और फिर कहता है कि मुझे काम चाहिए, आप मुझे अपने घर में जगह दो रहने के लिए। लेकिन अनिल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तो वो बोलता है मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रह लूंगा। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें खाना पकाने आता है। तो यहाँ पर हरि सिंह कहता है कि मुझे खाना पकाने आता है। लेकिन हरि सिंह फिर से झूठ बोलता है क्योंकि उसे खाना पकाना एकदम भी नहीं आता है। वो तो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा एकदम पका हुआ चोर है जो आसानी से किसी को मूर्ख बनाकर उसके पैसे या चीजों को चुरा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने झूठ बोला। फिर अनिल से अनिल जो एक अच्छा आदमी है वो उस पर विश्वास कर लेता, उसको अपने साथ ले जा सकता है और कहता है कि मैं तुम्हें अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। और ऐसा करके वो उसे अपने साथ ले जाता है और अपने घर के जो बालकनी है उस पर उसको कहता है कि यहाँ पर तुम सो सकते हो और तुम मेरे लिए खाना बनाना आज। वो जब खाना बनाता है तो खाना इतना खराब बनाता है, इतना जला कटा सा खाना कि अनिल उसको एक कुत्ते को दे देता है खाने के लिए। इससे हरि सिंह समझ जाता है यानी वो चोर कि वो खाना बहुत ही खराब बनाया है क्योंकि वो उसने कुत्ते को दे दिया। तो अनिल जो है उस पर गुस्सा करता है, कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, उसे कहता है तुम भाग जाओ। लेकिन हरि सिंह फिर से अपना एक बड़ा सा स्माइल अपने चेहरे पे लाता है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर मंडराने लगता है। लंबे समय तक मंडराने के कारण जो है अनिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे भोजन बनाया जाता है। खाना पकाना ही नहीं
यहाँ पर अनिल ने हरि सिंह यानी वो चोर को बहुत और सारी चीजें उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है, जिसमें वाक्य बनाना या जोड़ना, जो कि नंबरों को जोड़ना भी सिखाता है। इन चीजों से चोर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो है कि अनिल एक बहुत ही उदारवादी, बहुत ही लिबरल और काइंड हार्टेड और जेंटल, बहुत ही अच्छा आदमी है, सिंपल है। वो किसी तरह से हरि सिंह पर वो नजर नहीं रखता है, यहाँ तक उसने तो अपने घर का लॉक भी जो है कि खुला रखा है, उसे वो ताला पे वो कभी लॉक नहीं करता, वो घर को पूरी तरह से खोलकर और पैसे भी उसके सामने ही रखता है। और इस तरह से हरि सिंह के ऊपर अनिल का एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अनिल जो है एक चोर है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर हरि सिंह जो है चोर है, लेकिन हरि का जो व्यवहार है धीरे धीरे बदलता है। लेकिन चूंकि वो चोर है तो उसकी जो प्रकृति यानी जो नेचर है वो नहीं बदलता। वो बाजार जाता है तो बाजार जाते हैं उसे जो भी पैसा मिलता है उसमें से एक रुपया वो चुरा लेता है। अनिल अच्छे से जानता है कि हरि सिंह जो है एक रुपया बाजार जाने पर चुरा लेता है, लेकिन कभी भी उसके चेहरे के भाव भंगिमा यानी जो से एक्सप्रेशन ऑन द फेस वो कभी भी नहीं दिखता है ऐसा कि वो यह जानता है। हरि सिंह भी जानता है कि अनिल ये सारी चीजें जानता है, फिर भी उसको वो कभी टोकता या कभी कुछ कहता नहीं है। इन चीजों के कारण हरि सिंह को अनिल के लिए एक अच्छा ही सॉफ्ट कॉर्नर और उसके लिए रिस्पेक्ट डेवलप कर जाता है। अब आगे की स्टोरी यूं होती है कि एक जो कमाई का जरिया है अनिल का वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, यानी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इरेगुलर वे में उसकी इनकम होती है। हरि सिंह कहता है कि शायद वो लिखता है किसी पब्लिशर के लिए या फिर किसी न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए, और उसने अपने लिखने ही के बल पे उसके जो पैसे हैं वो कभी आते हैं एक सप्ताह और कभी नहीं आता। इसलिए कभी एक सप्ताह अनिल जो है वो चिंतित रहता है पैसे के लिए, और जब उसे आता है तो जाता है बाहर अपने दोस्तों पे खर्च कर देता है। इस तरह के कारण अनिल जो है पैसे करने के मामले में और पैसे रखने के मामले में वो बहुत ही केयरलेस है। हरि सिंह सोचता है कि जो भी हो अनिल एक अच्छा आदमी है, इसलिए हरि सिंह कभी भी ये नहीं सोचता है कि वो अनिल को धोखा देगा। लेकिन चूंकि वो चोर है तो उसके अंदर ये प्रकृति जो है उसको जोर देती है। एक बार जब अनिल को एक अच्छा खासा अमाउंट जो कि 50 के कई नोट जो कि 600 रुपए होते हैं यानी 600 रुपीज वो उसको लाकर दिखाता है, और जैसे कि अनिल उसके सामने ही मैट्रिक्स के अंदर रख देता है। यह देखकर उसके अंदर जो चोर की एक प्रवृत्ति है वो जागृत होती है और वो चाहता है कि अब वो जाकर उस पैसे को चुरा ले। रात के समय में जब अनिल सो जाता है तो उस समय उसकी एक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल हो जाती है। इट मींस प्रवोक्ड हिम अ लॉट टू स्टील द मनी विच वाज अंडर द मैट्रिक्स। तो वो जो है कि हरि सिंह वहां जाता है और मैट्रेस के अंदर यानी जो कारपेट है उसके अंदर अपने हाथ को लगाता है और उसका जो है कि हाथ उस नोट के बंडल तक पहुंच जाती है। उस समय जो है कि वो वहां से फिर निकलकर जैसे ही बाहर आता है वो तेजी से दौड़ने लगता है और रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है, जहां पर 10:30 पे @10:30 लखनऊ एक्सप्रेस आने वाली होती है। और वो रेलवे स्टेशन के विंडो टिकट विंडो के पास भी नहीं जाता, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं, और इसलिए वो सीधे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाता है जहां पर लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 पे आने वाली थी। वो वहां पर जब लखनऊ एक्सप्रेस आती है तो उसकी स्पीड इतनी भी नहीं होती है कि हरि सिंह उस पर चढ़ ना जाए, लेकिन हरि सिंह जो है वो उदयपुर में या फिर किसी तरह से संशय में रहता है और वो नहीं जानता है कि यह उसके अंदर क्यों है और वो नहीं जाना चाहता है। उस समय वो सोचता ही रहता है और लखनऊ एक्सप्रेस वहां से गुजर जाती है। इसके कारण जो है कि हरि सिंह जो है सोचता है अब वो रात कहां गुजारे, क्योंकि जिस आदमी ने उसको सबसे ज्यादा प्यार किया और जो आदमी जो उसका मित्र है या उसे वो सबसे ज्यादा जानता उसी को उसने तो उस रात को लूट लिया था। तब वो जाएगा कहां, होटल में वो जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां से उसके बारे में जानकारी फैल सकती है कि वो वहां पर क्या कर रहा था रात को। इसलिए वो चलता जाता है और एक पार्क में जाता है, बैठता है, तब वहां पर बारिश होती है, वो जो नोट का बंडल वो कहीं हद तक भींग जाता है उसके पॉकेट में। फिर वो एक बार मन बनाता है और सोचता है कि अगर वो वहां से भाग आया है तो अब वो तो अपने अनिल के लिए जो कि उसका मालिक और अच्छा व्यक्ति है उसके लिए वो फिर से खाना नहीं पका पाएगा, वो बाजार नहीं जा पाएगा जहां से वो 1 रुपया ले लेता है।
फिर वो कल जो कि 2 या 3 रुपया अनिल से मांग सकता था वो अनिल दे भी देता, अनिल उसको अब नहीं देगा क्योंकि वो वहां है नहीं। और यही सब चीजें, और वाक्य नहीं वो बनाना सीख पाएगा, नंबर जोड़ना नहीं सीख पाएगा, और जिसके कारण वो सोचता है कि इन चीजों को सीखकर वो ज्यादा पैसा आसानी से बना सकता है। जिस तरह से मैंने आसानी से ये पैसे चुराए हैं, आसानी से मैं तो फिर जेल में जा भी सकता हूँ, मुझे तो पुलिस पकड़ भी सकती है उतनी ही आसानी से। यह सोचकर वो सोचता है कि उसे तो वहां अनिल के पास होना चाहिए था। इन सारी चीजों को सोचकर वो फिर एक बात भी उसके दिमाग में आती है कि अनिल ऐसा व्यक्ति है, अगर एक लालची आदमी का पैसा चोरी होता है तो वो भयभीत होता है, एक अमीर आदमी का पैसा चोरी होता है तो गुस्सा हो जाता है, उसको एंगर वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंग्री। और वहीं पर अगर गरीब आदमी का पैसा चोरी हो या चीज तो वो स्वीकार कर लेता क्योंकि उसके पास तो बल है नहीं कि वो कुछ कर पाए। लेकिन ये जो आदमी है अनिल, उसे जब पता चलेगा कि उसने हरि सिंह ने चोरी कर लिया है तो वो उदास हो जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। और ये सोचकर जो है कि हरि सिंह डिसीजन करता है कि अब वो सीधे जाएगा अनिल के घर पर। अब वो ये भी सोचता है कि जितनी आसानी पैसा देने चुराने में है उतनी आसानी से पैसा रिटर्न करना नहीं है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी वो जाता है और मैट्रिक्स के अंदर वो भिंगा और बंडल ढालने में तो वो सफल होता है। तो उसी समय अनिल जो है पलटता है, उसकी जो सांसें हैं वो उसको लगती है सांस की हवाएं, और उस समय वो सोचता है वो फंस तो नहीं गया, वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो अनिल जो है कि सोया ही रहता है और ये हरि सिंह सो जाता है। जो सुबह होता है तो हरि सिंह देखता है क्या कि अनिल उसे जगा रहा है, उसे 50 रुपया का नोट देता है, तो उस समय वो खुश हो जाता है कि अनिल को कुछ पता नहीं है। लेकिन जब वो नोट का देखता है 50 रुपये का नोट, अनिल बोलता है कि ये लो तुम्हारे महीना तुम्हें देता नहीं, ये तुम्हारा महीना हुआ 50 रुपये पर मंथ, तुमको यही सैलरी मिलेगी और ये तुम रखो। वो जो नोट जो था वो भीगा हुआ था, जिससे हरि सिंह समझ जाता है कि अनिल को सारी बातें पता चल गई है कि मैंने ये पैसा चुराया था और फिर मैंने इसे वापस रख दिया जहां मैंने उसे लिया था जहां से। इस तरह से हरि सिंह जो है अनिल की आंखों में देखता है कि वहां से किसी भाव भंगिमा नहीं आती है, कहीं से उसके चेहरे से ये एक्सप्रेस नहीं होता है कि वह जानता है कि हरि सिंह ने ही पैसा चुराया है। और इसी कारण जो हरि सिंह वहां पर वो एक उसके जिसे कहते हैं ना अपने आप नेचुरली उसके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। और इसी के साथ यह जो है चैप्टर खत्म होता है। मुझे आशा है दैट इज आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड आई वुड लाइक टू आस्क यू टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। विद दिस नोट I would like to thank you also for watching me so far till now.